अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह सुबहाना ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करती हूँ आप सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर जाएं और अल्लाह सुबहाना ताला आप सबको दुनिया और आखरत की कामयाबी अता फरमाए और आप सबके रिज्क में बरकत अता फरमाए और दुख दर्द परेशानियाँ और हर किस्म की मुश्किलों से हमें नजात। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी मैं चिकन चने बनाने लगी थी, लाहौरी चिकन चने जो कि लाहौरी की खास डिश है और ये रमज़ान में सहरी के लिए मैं इसे रेडी करने लगी हूँ और आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े की डिश होती है, पराठों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। चलिए इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चने लिए हैं, ये 700 ग्राम चने हैं जिनको मैंने भिगो दिया था 6-7 घंटे पहले। ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं और पानी मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है। पानी उबल चुका है, अब चने इसमें ऐड करेंगे और साथ इसमें मीठा सोडा 1/2 टीस्पून, ये मीठा सोडा है ये इसमें जाएगा और 20-25 मिनट के अंदर अंदर ही चने अच्छी तरह से गल जाएंगे। और पानी बॉइल हो चुका है, इसमें हम चने ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, इसमें उबाल आएगा, फ्लेम मीडियम कर देंगे और ढक्कन साइड पे कर देंगे ताकि पानी बाहर ना निकले उबल के। अब ये पकने के लिए छोड़ देते हैं और एक अलग पतीली में हम दूसरी तरफ मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। और चने हमारे बॉयल हो रहे हैं, मसालों के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसमें 2 छोटे साइज के प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, 3 छोटे टमाटर हैं जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है और 3 सब्ज मिर्चें इसको मैं अभी काट के इसमें मसाले में ऐड करूंगी। और पाउडर के मसाले में अपने जायके के हिसाब से आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून से भी कम है ये हल्दी इसमें जाएगी। और काली मिर्च है ये मैंने अभी अभी फ्रेश ही पीसी है और ये जो काली मिर्च है ये इसमें ज़्यादा ऐड होगी, ये 1 टेबलस्पून है, ये लास्ट में ऐड करूँगी। आप मेरी वीडियो फुल देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा किस तरह ये रेडी करने हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, चाट का मसाला है 1/2 टीस्पून और पेप्रिका पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ऑप्शनल है, मैं इसमें आमचूर पाउडर इसमें ऐड करूँगी। आपने डालना है तो डाल लीजिए वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक पतीली में मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड किया है और प्याज हम इसमें ऐड करने लगे हैं, गोल्डन करेंगे प्याज को फ्लेम पे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको भी हल्का हल्का गोल्डन करेंगे। अदरक लहसुन भी गोल्डन हो चुके हैं, अब इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। काली मिर्च हमने अलहदा निकाल दी है, वो लास्ट में ऐड करेंगे। ये सारे मसाले डाल के थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले गले ना। प्याज के मसाले को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, अब इसमें टमाटर की प्यूरी जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसका पानी ड्राई करेंगे। माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें से थोड़ा सा ऑयल
मैं निकाल लूंगी। और मसाले में से तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल निकाल लिया है। जब सर्विंग बाउल में डालूंगी चने तो ये उसके ऊपर ऐड करूंगी। चने हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से। ये तकरीबन 3-4 लीटर मैंने 3.5 लीटर पानी होगा, खुला पानी मैंने इसमें ऐड किया था। इसी में चने अच्छी तरह से गल भी गए हैं 25-30 मिनट के अंदर अंदर ही। और आधे चनों को मैं मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लूंगी, आधे हिसाबत ही रहेंगे। चनों का पानी मैंने बिल्कुल ड्रेन नहीं किया, मैंने अंदर ही ड्राई किया है। जितना आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना रख सकते हैं। अपने इस मसाले में ऐड कर लेंगे। मसाले के अंदर चने सारे शिफ्ट कर दिए हैं, अब इसमें सब्ज़ मिर्चें भी चली जाएंगी। इन्हीं चनों में से थोड़ा सा हम पानी लेंगे। और इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर, जो हमने काली मिर्च दादरी हुई थी, वो इसमें ऐड करेंगे। वो मिक्स करके चनों में ऐड कर देंगे। और इस तरह से गुठलियाँ नहीं बनती और अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाता है। अभी थोड़ी सी और थिक करेंगे 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह चने हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फ्लेम मैं ऑफ करने लगी हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौरी चिकन चने बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। और ज़रूर बनाइएगा और अपनी सहरी को बनाइएगा स्पेशल, और पराठों के साथ एंजॉय कीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।